हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज़ रेहान एंड दिस इज़ साहिल। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना तारिक जमील बयान अबाउट टिकटॉक म्यूज़िकली बैन इन पाकिस्तान। सो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, ये जानना कि मतलब टिकटॉक बैन हो चुका है पाकिस्तान में। हाँ सही बात है। और काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बता दिया था पहले कि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो रहा है, उस पर वीडियो बनाओ। टिकटॉक बैन हो रहा है और तभी मेरी नज़र भी पड़ गई, ये एक वीडियो आया मौलाना तारिक जमील जी का नया वीडियो। सो तबीयत ठीक हो गई है? हाँ, जिसमें टाइटल लिखा हुआ है, उनका बयान आया है कि जिस पे उन्होंने बयान दिया टिकटॉक के बैन होने पर पाकिस्तान में। सो मैं भी बताया होगा कि टिकटॉक है क्या और क्या हो रहा है। उससे पहले एक बात और कि हम कल कहीं घूमने गए थे जहाँ पर साहिल नहीं गया था, तो बहुत लोग वहाँ पर उस वीडियो पे हमने एक व्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो हमारे चैनल पे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। उस व्लॉग पे बहुत कमेंट कर रहे लोग कि साहिल वी मिस साहिल, वी मिस साहिल, बहुत याद कर रहे हैं साहिल तुझे। तो हाँ, साहिल क्या करें यार, वक्त वक्त की बात है, वक्त नहीं मिलता है इंसान के पास, सब है एक चीज़ नहीं है वक्त। सो वक्त की कमी थी इसलिए ये आ नहीं पाया, बाकी वीडियो देखकर इसे लगा कि भाई जाना चाहिए था, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। आप लोग भी देखो एक बार, आप लोगों को भी लगेगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर इस वीडियो के पहले वाला वीडियो ही वो वीडियो है, सो जाके देख लेना। सो वीडियो शुरू करते हैं, फिर आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हियर वी गो। उन माओ की गोद में मोहम्मद बिन कासिम जैसे कैसे पैदा होंगे, हुसैन जैसे कैसे पैदा होंगे, नचने गाने वाले ही पैदा होंगे, सूद खोर शराबी डाकू जुआरी पैदा होंगे। माए बांझ हो गई, बांझ नस्ल मौजूद है, इंसान कोई नहीं, अफराद मौजूद हैं, इंसान कोई नहीं है, मर्द औरत मौजूद हैं, इंसान कोई नहीं है। पूरी दुनिया के तुजार को पैगाम है, झूठ से बच, खयानत से बच, सारे दफ्तर वालों को पैगाम है, रिश्वत से बचो, रिश्वत से बचो, जुल्म सितम धाने से बचो। सारी दुनिया के मेरे मुल्क का एक एक तबका जमीर बेच के सोया हुआ है, जहां इंसाफ देने वाले बिक जाए, जहां जज के कलम की कीमत लगे, जहां जिस देश के जज को खरीदा जा सकता, जिसके कलम को खरीदा जा सके, जिस देश के वकील को खरीदा जा सके, जिस देश में झूठे मुकदमों की भरमार हो, जिस देश का डॉक्टर मरीज को मरीज न समझे, ग्राहक समझे, और मरते की खाब उतारे, मरते हुए की खाब उतारे, जिस देश का वकील खुद एक माफिया ग्रुप बन चुका हो, जिस देश का मैं वकीलों का रोना क्या रोना, मैं जजों का रोना क्या रोना, मेरे देश का तो रेड़ी वाला भी जालिम है, मजदूर भी जालिम है, गरीब भी जालिम है, मालदार भी जालिम है, जुल्म के अंधेरों में देश डूबा हुआ है। मेरे भाइयों, हमारा नया साल शुरू हो चुका है, और हम तौबा करें अल्लाह की बार का। आई थिंक ये कोई पुराना वीडियो होगा, मुझे लगता है किसी ने क्लिकबेट किया है राइट, क्योंकि इसमें टिकटॉक के बारे में तो नहीं बोला इन्होंने, ये स्टार्टिंग में जरूर बोला कि नाचने गाने वाले मतलब ऐसे बच्चे हो रहे हैं, मतलब जो नाच रहे, जिनकी माए टिकटॉक पे वीडियो बना बना के डाल रही है, वो वीडियो देखेंगे तो कैसे हुसैन बनेंगे, वो कैसे बनेंगे यार। तो बात तो सही है, कहीं ना कहीं एक आता है दिल में
कि यार ये क्या हो रहा है, हम भी देखते हैं और सोचते हैं। टिकटॉक पे ना कुछ लोग ठीक का यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिनको एक्टिंग आती है वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो फालतू काम कर रहे हैं कुछ जैसे हम राजा शामो सर की वीडियो में देखते हैं, राजा शामो भाई की जो वो ट्रोल करते या डकी भाई जो उन्हें ट्रोल रोस्ट करते हैं, सो वो काम जो कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। टिकटॉक बनाएं आप, बिल्कुल बनाएं, मैं मना नहीं करता, मैं तो फिलहाल मैं मना नहीं करूँगा क्योंकि आपको मना बनाइए एक दो मनी मना करूँगा तो भी कौन मानेगा ये बात भी ना, तो बनाएं आप ऐसी भी टिकटॉक बनाएं जिसको देख के किसी को अच्छा भी लगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो आपकी हंसी उड़ा रहा हो, राइट, ठीक है। जैसे हमने एक हमारे काम की टिकटॉक बनाई थी, हमने एक वीडियो बनाया था स्त्री के ट्रेलर पर रिएक्शन बनाया था, सो हमने वो हमारे काम से बेस्ट एक टिकटॉक बनाया, राइट, क्यों उसको हमने उसमें इंक्लूड किया, वीडियो में भी इंक्लूड किया, बाद में हमने उसको वीडियो में इंक्लूड करने के बाद हमने उसको अलग से टिकटॉक तो डालना ही पड़ा ऑब्वियसली। इसके अलावा हमने मैंने एक सब शो गया मैं दरूद पाक पढ़ पढ़ के, इस तरह की मैं मुसलमान हूँ, इस टाइप के बहुत सारे टिकटॉक बनाए जिससे मुझे यकीन है कि जिन्होंने देखा होगा उसको हो सकता है व्हाट्सएप स्टेटस बना लिया होगा किसी ने। लोग बहुत ही छोटी छोटी हदीस उठाकर भी उसका टिकटॉक बनाते हैं जो कि मतलब उनके एक टिकटॉक से ना बड़ा अच्छा मैसेज मिल जाता है लोगों को। बहुत सारे तो मौलाना तारिक जमील साहब की मिमिक्री करते हुए लिपसिंग करते हुए टिकटॉक बनाते हैं जो विच मौलाना साहब को मुझे लगता है वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी। मैं भी लेकिन तू भी बहुत कहता है मैं मौलाना वगैरह, अच्छा हाँ वो तो मैं बोलता हूँ मिमिक्री नहीं है, एक अच्छी बात हमको बस एक बोलते लतीफ़ा किसी का याद रह जाता है तो हमको बस एक लतीफ़ा हमको याद रहता है, मोहब्बत। वो बोलते हैं ना अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो तो वो झूठ झूठ नहीं, सो ले दे के बात वहीं आती है, राइट। कि टिकटॉक क्या, टिकटॉक ये एक बिजनेस है जो कि चाइना कर रहा है और इंडिया से भी बहुत सारे पैसे ले जा रहा है टिकटॉक के थ्रू, पाकिस्तान से भी बहुत सारे पैसे नहीं ज़्यादा दे रहा है, पैसे जा रहा है। वैसे इंडिया में मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टिकटॉक का यूज़ इंडिया में का यूज़ इंडिया में ही हो रहा है, सबसे ज़्यादा घसा घसा जा रहा है, मतलब लोग आजकल यूट्यूब देखना कम कर दिए टिकटॉक देखने लगे, तो हर मोबाइल में यूट्यूब के साथ में टिकटॉक आपको जरूर मिलेगा और हर कोई बोल रहा है अरे मेरा टिकटॉक देखा तूने, अरे हद करते हैं यार तेरा टिकटॉक, अरे मैंने टिकटॉक बनाया, मैं टिकटॉक बनाया, हर कोई यही बात करता है अरे मेरा टिकटॉक देखा तूने, मेरा टिकटॉक लाइक कर देना यार। अरे यार हम कहीं दोस्तों से भी मिलने जाते हैं ना, आज के टाइम ऐसा हो गया हम किसी दोस्त से मिलने भी जाते हैं ना तो बात कम करते बोलते चलो टिकटॉक बनाते हैं स्टार्टिंग में, अरे भाई मैं जैसे मिलने आया हूँ यार क्या क्या कर रहा है तू, अब पूछते रहो, एक टाइम था फेसबुक जब नया नया आया था, अब मैंने तेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है एक्सेप्ट कर लेना यार, वो वाला मामला, अरे मेरे को टिकटॉक पे लगू कर देना फॉलो कर लेना यार मेरे इतने फॉलोअर और फॉलोअर, अरे हद होती है यार किसी को अच्छा लगेगा कंटेंट ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेगा, राइट। अच्छी चीज़ बनाओगे तो फॉलोअर्स भी मिलेंगे, यूट्यूब पर भी ऐसा हो रहा है कि बहुत ही घटिया घटिया चीज़ें लोग बना बना कर डाल रहे हैं और फिर भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं और व्यूज़ मिल रहे हैं, फॉलोअर्स भी मिल रहे हैं लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। हाँ ये बात, तो इज्जत कमाने के लिए तो अच्छा काम ही करना पड़ेगा और अच्छा काम करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, लाइक दिस और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो हमें भी मिली रही है आप लोगों से, ओ माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये, सो अच्छे काम करें और ओवरऑल मेरा तो यही कहना है कि भाई बुरे काम से बचो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करोगे तो अच्छी इज्जत मिलेगी, बुरे काम करोगे तो इज्जत वैसे ही मिलेगी, मतलब लोग आपको लगे कि आपकी इज्जत करें लेकिन एक्चुअल में वो आपसे डर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, डर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, दोनों में से एक चीज है, या तो कुछ तो इतने बुरे काम कर दो कि लोग आपसे डरने लग जाए। वो बोलते हैं ना बदनाम हुए तो क्या हुआ कुछ नाम तो हुआ, हाँ। वो वाला काम भी बहुत सारे कर रहे हैं टिकटॉक और यूट्यूब पे खास करके, यार मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ, टिकटॉक में बदल गया है। वो लड़का था अभी जिसकी डेथ हुई कार एक्सीडेंट में, दानिश, उसके जब उसकी डेथ हुई थी ना तब उसके 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे और आज मैं उसके चैनल पर विजिट किया, आज 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसके, और उसके भाई का कुछ वीडियो भी आया था वहाँ पर, उसने बताया कि क्या क्या हुआ उस दिन, कैसे क्या हुआ, मतलब उसके मीटअप वाले वीडियो पे 1.7 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। हाँ सो यार जो भी है उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने बयान, मौलाना साहब बहुत सारे मौलानाओं ने बयान किए हैं और उसे कब्रिस्तान ले गए थे, तो पहले कब्रिस्तान वालों ने बोला कि भाई इसके जो टैटू है ये सारे जलाओ पहले, उसके बाद ही दफनाने देंगे, सो टैटू तो बनाना गुनाह ही है तो बचो यार, कम से कम उससे बचो यार। ये आजकल कूल 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 के चक्कर में अपनी बॉडी की बैंड बजाते हैं बच्चे, यार देखो ये जो कूल लुक है ना ये कब्र में जाके खाक में मिल जाएगा,
ठीक है, तो इस कि उसको पता था उसकी मौत आने वाली है, ही नोज कि वो मरने वाला है, पर मर गया। क्या काम कर, क्या काम करा वो टैटू, वो खराब दानिश के फैन ऑन बोल गालियाँ देने लग जाएंगे इससे पहले अपन बातों खत्म रहते हैं ना, वो भले भाई कोई भी हो, मुझे मालूम है फैन सबके रहते हैं, अच्छे बुरे सबके फैन रहते हैं, बुरे के भी रहते हैं। आप लोग फिलहाल मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या सच में परमानेंटली पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गया है, और बैन हो गया है तो आप लोगों का इस पर क्या कहना है, ये हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो रहा है या हो गया है? न्यूज़ चैनल वाले जैसी बात कर रहा है, चलो बता ही दो आज कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तो बताना कमेंट करके। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।